लाइब्रेरी में तुम लोग उसके रूम में छोड़ दी वाशिंग मशीन रोहित रोहित बैग रख देगा रोहित बैग इधर रख के जाएंगे रिसेप्शन रुक जा पहले एक बार रूम साफ होने दे इधर है फिर कर बैग सब अंधेरे में। हेलो दोस्तों, तो हम सब पहुंच गए थे रात को 9 बजे के करीब ऊटी, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी, नहीं तो हम सुबह पहुंचने वाले थे। जैसे ही ऊटी में कदम रखा इतनी ठंड थी, कितना मजा आया वहां की ठंड में, और हम कोशिश कर रहे थे कि रात में ये व्यूज कैसे दिख पाए, लेकिन दिखा नहीं। फिर सुबह देखिए, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी का स्वागत है द ट्यूलिप्स टॉकी में, एंड आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ये है ट्विंकल, यू कैन मीट। तो यहाँ हम रुके हुए हैं विलास में, जिसकी पूरी क्रेडिट जाती है मोता जी को, जिसने बहुत अच्छे विलास जो है हमारे लिए बुक किए हैं, और पीछे बहुत अच्छा है, लेक व्यू है। ये विला का नाम भी लेक व्यू विला है, मतलब रिजॉर्ट है, एंड दिस इज़ वेरी गुड। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मॉर्निंग जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग को पीछे पहाड़ और सामने लेक, ये होता है फील एक्चुअली किसी भी हिल स्टेशन में आने का। तो ये अभी जो है क्रेडिट गोज टू रोहित जी मोता बोलने वाली थी, मोहित कर दिया एक्चुअली, आई एम सॉरी। हाँ तो हाँ, सो उसको मिला दिया। अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, देन विल सी। अभी आपको आप लोगों को और दिखाते हैं यहाँ ऊटी में क्या क्या है। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो सबसे पहले मेरा ध्यान गया इन झाड़ियों पे, जो कि नॉर्मल बुशेस हैं, जो इतने सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। ये होती है डिफरेंस एक हिल स्टेशन में एक नॉर्मल प्लेस पे। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे अपना जो है डे का प्लान जो है देखने के लिए ऊटी। सो यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस, तो इसके कारण से यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो आपको यहाँ पर आकर अपना टेबल बुक मतलब लेना पड़ता है, बुक करना इन द सेंस आपको खुद ही टेबल रिजर्व करना होगा। अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, अड्यार आनंद भवन है, इसमें जो है नाश्ता लंच डिनर एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे नाश्ता किया है, एंड हम अभी आगे जा रहे हैं, देन वील कवर सम पीक्स। यहाँ पे पीक पॉइंट्स है जहाँ पे हम देख सकते हैं, गार्डन्स है, रोज़ गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन, तो वी विल कवर दैट, एंड फिर हम लेक जाएंगे, पाइकरा जाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब। सबसे अच्छी बात मुझे अड्यार आनंद भवन की ये लगती है कि यहाँ पे जो क्लीनलीनेस है और जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, सेल्फ सर्विस भी है और साथ में जो सर्विस है बहुत फास्ट है। पहले जब मैं कोरोना के पहले आई थी तब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, अभी थोड़े कम हो गए हैं ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज मैंने पहले कुछ नॉर्थ इंडियन आइटम भी देखे थे, अभी साउथ इंडियन अवेलेबल है, साथ में चाय कॉफ़ी जूस चाट वाट है, सो फाइन है, हम वो सब तो खा ही सकते थे। बट जब भी किसी भी ड्राइवर से आप पूछेंगे कि कौन सा प्लेस बहुत बेटर होता है तो वो अड्यार आनंद भवन का ही नाम बताएगा। गाइस सुबह का समय था इसलिए सारे शॉप्स अभी क्लोज दिखाई दे रहे हैं आपको को। तो अभी हम जा रहे हैं बॉटनिकल गार्डन, जो कि ऊटी में सबसे फेमस प्लेस है, जो गार्डन्स तो बहुत सारे हैं लेकिन बॉटनिकल गार्डन वी हैव चूजन क्योंकि वो देखना तो बनता है। तो बॉटनिकल गार्डन आप देख सकते हैं, खुला आसमान, नीला आसमान, और आप यहाँ का जो व्यू देख सकते हैं, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का आर्किटेक्चर, ये सब इतना खूबसूरत है। यहाँ पे इतने सारे बॉलीवुड मूवीज के गाने शूट हुए हैं, कई मूवीज में हमने इस गार्डन को देखा है, लेकिन यहाँ पे जब आप एक्चुअली में आओगे तब आप फील कर पाओगे कितना सुंदर है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बॉटनिकल गार्डन के ऊपर है, अंदर है, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल टाइम क्या हुआ है 11 बज रहा है, तो उसके कारण धूप है, काफ़ी अच्छा मौसम है, वेदर साफ़ है, और अभी हम घूम रहे हैं
और घूमेंगे और देखेंगे यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में क्या चेंजेस आया है इतने दिनों में, और यहाँ पर थोड़े पिक्स लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये जगह इतना खूबसूरत था कि मैं तो पूरा ही बोरा गई थी भाई, इतना सुंदर। मतलब मैं पिछले बार भी बॉटनिकल गार्डन आई थी बट इस वाले ग्लास हाउस में मैं घुसी ही नहीं थी। यहाँ पर देखा मैंने इतने सारे वैरायटीज से फ्लावर्स के, इतना सुंदर। एंड आई एम अ वेरी यू नो वेरी बिग नेचर लवर, मुझे ये गार्डनिंग फ्लावर्स और ये सबका बहुत ज़्यादा शौक है। और यहाँ देख के ना मतलब मुझे इतना लालच आ रहा था दैट हमारे पास में ये सारे चीज़ें अवेलेबल नहीं है, हम नहीं लगा पाते, बट ये हिल स्टेशन पे इतने सुंदर फ्लावर्स लगा के उग भी जाते हैं इतने प्यार से। तो गाइस मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लावर गार्डन है, वो जो अंदर लगा हुआ है दैट इज़ दैट ऑल आर फ्लावर्स। और मैं पिक्स में आप लोगों को बता दूंगी क्या है उसके अंदर। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि लोग बोलते हैं कि बॉटनिकल गार्डन क्या है यहाँ पर। यहाँ पे इतने फ्लावर्स के वैरायटीज़ और इतने सारे ट्रीज़ है दैट वी कैन कवर इट ऑल, और जो भी नेचर लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो प्लीज़ कम एंड जॉइन दिस बॉटनिकल गार्डन, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेचर के बीच में रहने वाला फील आ जाता है। सो एक बार विज़िट करना तो मस्ट 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 है। हाँ, यहाँ पे आने के लिए मैं तो मरी पड़ी थी जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तब यहाँ पे जो वीडियो मतलब मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग नहीं करती थी और अब लगता है कि तब व्लॉग करना चाहिए था। तो हमारा स्क्वाड है ये पीछे, हम सब का गैंग, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। राधी बोला उसने कि बस समझ जाना, वार्निंग दे रहा है। कौन? तो गाइज यहाँ पे मैंने कैमरा नीचे पकड़ा हुआ है क्योंकि कैमरा पकड़े पकड़े मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं प्लेस एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे एंजॉय भी करना था, साथ में वीडियो भी शूट करना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं जहाँ पे ज्यादा फोकस यू नो सिर्फ व्लॉगिंग पे ना रहे, सामने जहाँ पे मैं थी उसको फील करना चाहती थी। खूबसूरत पॉट्स और इतना खूबसूरत गमले लगाए हैं, व्हिच आई ऑलवेज वांट इन माय ओन हाउस। वाओ, वो फ्लावर्स को देखो ना कितना प्यारा है, दिस वन दिस पेड़ में जो पूरा लगा है, सब प्यारा है, सब ये फ्लावर्स है पूरे। ये जो मेरे पीछे है, हाँ बहुत इतना नहीं है, जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकते। This is fossil tree trunk. What all you can see in this garden is dust. Fossil tree trunk. यहाँ पे और भी ऐसे सारे बहुत सारे families के trees वगैरह हैं जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो भी botany students हैं, biology students हैं, उनको समझ में आएगा। But हाँ, जो लोग student नहीं भी हैं उन लोगों के लिए घूमने के लिए और best है pictures लेने के लिए place. ये गार्डन एक्चुअली हिली है, यहाँ पर ऊपर अपस्टेयर्स में भी आपको जाकर देखना होता है, फिर नीचे जाना होता है, इट्स लाइक अ स्टेप काइंड ऑफ, तो यहाँ पे बहुत मजा आता है। बोटानिकल गार्डन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स के वैरायटीज हैं और हर प्लांट पे आपको फैमिलीज का नाम वगैरह लिखा रहता है, बोर्ड्स रहते हैं प्लांट्स के नीचे,
वो सब आप भी देख सकते हैं, जिसको प्लांट्स का शौक है वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है पाउडर पफ का प्लांट जो मेरे बचपन से काफ़ी जुड़ा, और इसका फ्लावर देख सकते हो वो पिंक वाला जो फ्लावर यहाँ पर है, और ये मेरे घर के पीछे हुआ करता था, मेरे दादाजी ने लाके लगाया था खाई में, और ये बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, जब बारिश होती थी तब यहाँ से पूरे फूल हमारे घर के आंगन में गिरते थे। और अभी यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर वैसे बहुत सारे फैमिलीज के ट्री है, तो ये वाला ट्री भी बहुत अच्छा है। और हाँ, ये बहुत बड़ा गार्डन है तो यहाँ पर चलने के लिए प्लीज़ शू पहन के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आएँगे तो पूरा टाइम निकाल के आइए ताकि यहाँ पे आराम से घूमने का और थोड़ा आराम करने का भी समय मिल सके। यहाँ खत्म होता है बोटानिकल गार्डन का सफर। आगे आने वाले ब्लॉग्स को भी सपोर्ट करिएगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और हाँ कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा लगा आपको इसमें। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।